हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप 2024 के वोटर आईडी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होता है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में आकर लिखना है वोटर लिस्ट डाउनलोड। वोटर लिस्ट डाउनलोड लिख कर आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करते हैं, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पर आकर क्लिक कर लेना है। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉल रोल डाउनलोड, इस पे आकर आपको क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ से अपना स्टेट चेक चूज कर लेना होता है और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सेकेंड में डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा अभी तक लोडिंग ले रहा है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर थर्ड नंबर में असेंबली अपना चूज कर लेना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अपना चूज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पे अपना लैंग्वेज भी चूज कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा नीचे की तरफ अपना गांव का पूरा शो करेगा। तो इसमें हमें अब आकर अपना गांव का चेक कर लेना है कि हमारा गांव का नाम कहाँ शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आप कुछ इस तरह से आकर अपना नाम गाँव का चेक कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो हमें यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें वार्निंग देता है प्लीज एंटर वैलिड कैप्चा। तो हमें यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा शो कर रहा है, इसे यहाँ पर डालना होता है। अगर कैप्चा समझ में ना आता हो तो उसे हम रिफ्रेश करके फिर से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे डाल कर चेक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर फिर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा लोडिंग ले रहा है और ये हमारा डाउनलोड हो जाए। तो दोस्तों, ये हमारा वोटर आईडी लिस्ट डाउनलोड हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आकर हमें क्लिक कर लेना होता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है और ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुरीक्षण का वर्ष 2024 दिखा रहे हैं, यानी 2024 का ये वोटर आईडी लिस्ट है। दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबका नाम, आपके गांव के पूरा का पूरा गांव के आदमी का नाम और उनका मकान नंबर सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। बस उनका फ़ोटो उपलब्ध नहीं है, यही नहीं शो करता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आकर अपना भी यहाँ पर नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।